ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से मुरादाबाद से बीएसपी के कैंडिडेट ने चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन किया, किस तरह से चुनाव जीतने के लिए हर तरीके का इस्तेमाल किया गया। बीएसपी के इस कैंडिडेट के सारे दावे और कबूलनामे आज तक के कैमरे पर रिकॉर्ड हैं। सवाल यह है कि अब चुनाव आयोग क्या एक्शन लेगा और मायावती अपनी पार्टी के इस कैंडिडेट के बारे में क्या कहेंगी। ये कुछ हफ्ते पहले आगरा की तस्वीर है, जहां कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी और उनके नए नए चुनावी दोस्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रोड शो कर रहे थे। लेकिन उसी आगरा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अतुल गर्ग क्या क्या कर रहे हैं, आज ये देखकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की नींद उड़ जाएगी। ये आगरा उत्तर सीट से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अतुल गर्ग हैं, जो आज तक के स्टिंग ऑपरेशन डर्टी इलेक्शन में कैमरे पर ये कबूलते हुए पकड़े गए कि वो ये चुनाव किस तरह से पैसे के बल पर जीत सकते हैं। एंड में हमें ये पंचायत दिन में कार्यकर्ताओं में जो गरीब वोट है छोटा सब जाके हम लोग निश्चित हो जाएंगे, मतलब पैसे आज हमें सब जगह शरीर निकला पी गए, अगर उनमें दमन लगा दो ना चुनेगा सुन लिया। 15,000 वोटर खरीदने के लिए 20 से 25 लाख रुपए के खर्चे की बात उत्तर प्रदेश में सत्ता की दावेदार एक बड़ी पार्टी का कैंडिडेट कर रहा है, जबकि चुनाव आचार संहिता के मुताबिक नियम ये है कि वोटर को रिश्वत देना जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 123/1 के तहत भ्रष्टाचार है और आईपीसी की धारा 171B के तहत एक अपराध, जिस अपराध पर 1 साल की सजा और जुर्माना या फिर दोनों सजा हो सकती। किसी कैंडिडेट को वोट ना देने के लिए भी रिश्वत देना अपराध माना जाता है। आगरा उत्तर से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अतुल गर्ग के पास भी आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंची। ऐसी इलेक्शन फंडिंग पार्टी बनकर जिनके जरिए चुनाव में लाखों और करोड़ों रुपए खर्च करने का इंतजाम ऐसे कैंडिडेट करते हैं। अतुल गर्ग ने कैमरे पर यह कबूला कि वो 1 करोड़ रुपए चुनाव में खर्च कर चुके हैं और वो अब हमसे 25-25 लाख रुपए करके 50 लाख रुपए मांग रहे थे। आगरा उत्तर से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अतुल गर्ग ने जाति के आधार पर पूरे समाज के वोटर को पैसे और शराब से खरीदने का भी दावा हमारे स्टिंग ऑपरेशन में कैमरे पर किया। ध्यान से सुना होगा आपने कि कैसे कैसे हथकंडे वो नेता अपना रहे हैं जिन्हें चुनाव में बड़ी पार्टी ने टिकट दिया। वोट के लिए पैसा और शराब बांटना अपराध है, लेकिन चुनाव में नेता इसी तरीके से चुनाव जीतना चाहते हैं। डर्टी इलेक्शन पर स्टिंग ऑपरेशन में राकेश वाल्मीकि नाम का कैंडिडेट भी कैमरे पर पकड़ा गया, जो आगरा कैंट से पीस पार्टी का कैंडिडेट है।
राकेश ने तो पैसों से सीधे वोट खरीदने और वोटिंग पक्ष में ना होने पर बूथ कैप्चर करने, गोली चलाने और दंगा कराने जैसे हथकंडों का भी दावा किया। पीस पार्टी की कैंडिडेट ने हमसे 70 लाख रुपए की मांग की इलेक्शन में खर्च करने के लिए। जैसे मान लो कितनी दो बार में करें, तीन बार में होगी, तीन बार में कितना कितना करते हैं? तीन बार में आपको रैली का देंगे 10 लाख। 10 लाख की रैली का दिया इलेक्शन का पूरे का 20 लाख तीन बार में। मुरादाबाद के साथ ही आगरा में भी चुनाव हो चुके हैं। सोचिए ऐसे कैंडिडेट अगर चुनाव जीत जाएंगे और विधानसभा में पहुंच जाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे? वो जन प्रतिनिधि से ज्यादा उस पैसे के प्रतिनिधि होंगे जिस पैसे से इन्होंने चुनाव लड़े और साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई। सैयद मसरूर हसन के साथ मोहम्मद हिजबुल्ला, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। हम नेताओं के लच्छेदार भाषण सुनते हैं, रैलियों और रोड शो में भीड़ बनकर जाते हैं, चुनावों को दिलचस्पी से देखते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन इन चुनावों में नेता जिस कैंडिडेट को टिकट देते हैं वो किन भ्रष्ट तरीकों से चुनाव लड़ रहा है वो शायद आपको पता होगा, लेकिन कैमरे पर पहली बार ऐसे कैंडिडेट खुद कबूल रहे हैं। वो कैसे वोटर को खरीदते हैं, कैसे करोड़ों रुपए फूंक रहे हैं और चुनाव जीतने पर वो क्या करने वाले, इस चुनावी खेल में कोई भी साफ नहीं। ऑपरेशन डर्टी इलेक्शन के कैमरे पर पकड़े गए कैंडिडेट की लिस्ट में मणिपुर से बीजेपी के एक कैंडिडेट भी शामिल है। हमने अब तक अपने ऑपरेशन डर्टी इलेक्शन में मुरादाबाद से बीएसपी के कैंडिडेट, आगरा उत्तर से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट और आगरा कैंट से पीस पार्टी नाम की यूपी की क्षेत्रीय पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव में पैसा शराब बांटने से लेकर वोट खरीदने और चुनावी नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले दावे करते हुए कैमरे पर पकड़ा है, लेकिन इस डर्टी पॉलिटिक्स में कोई भी दूध का धुला नहीं है। ये मणिपुर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार वोबा जोराम हैं, जिनसे हमारी मुलाकात दिल्ली के एक होटल में हुई। बीजेपी के इस उम्मीदवार को भी चुनाव के लिए और रकम की जरूरत थी, लिहाजा हम इलेक्शन फंडिंग टीम बनकर इस कैंडिडेट के पास पहुंचे। तो बीजेपी के इस कैंडिडेट ने बताया कि वो अब तक चुनाव में 1 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। भी आपने फॉर दिस अपकमिंग इलेक्शंस मणिपुर असेंबली 2017 कितना पैसा अब तक आप खर्च कर चुके हैं? अभी तक मैंने 1 करोड़ 2 लाख का जैसा। 1 करोड़ 2 लाख? हाँ। नहीं तो मुझे मुझसे आप कितने फंड्स की मदद चाह रहे हैं? दो करोड़ अभी हाथ में होता है तो हम जीत जाएंगे। 2 करोड़ रुपए अगर आपको मिले तो आपकी जीत पक्की है? पक्का जीत जाएगा। ओके। नहीं 4 करोड़ 5 करोड़ तो जाएंगे। 4-5 करोड़ का खर्चा होगा। ओके। लास्ट ईयर मैंने 4 करोड़ तो चला गया, फर्स्ट टाइम 2007 में 3 करोड़ चला गया। और अभी थोड़ा ज्यादा हो गया ना, कुछ समस्या ज्यादा हो गया ना, इसलिए 5 करोड़ तो जरूर होगा। हमने वोबा जोराम से पूछा कि आखिर करोड़ों की ये रकम वो इलेक्शन में खर्च कैसे और कहां करेंगे जिससे वो अपनी जीत पक्की मानकर चल रहे हैं। तो इस सवाल के बाद वोबा ने अपनी चुनावी तिकड़म में बतानी शुरू कर दी। तो इतना पैसा जो है जोराम जी, ये जोराम जी खर्च कहां पर होगा ये पैसा? ज्यादा व्हीकल में चला जाता। कितना गाड़ी चलाएंगे हम लोग? 60 गाड़ी चलाएंगे। 60 गाड़ी? हाँ। और परमिशन कितने का है? वोबा जोराम ने ये दावा किया कि वो बहुत से वोटर्स को पैसे देकर खरीद लेंगे और इसे कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। शराब भी बांटने का वोबा जोराम ने दावा किया। और एक दोस्ती में 15 लाख
20 लाख 15 लाख 20 लाख विलेज चीफ को देंगे, फिर आप सब विलेज लीडर को आपने मैंने आपको 20 लाख दे देंगे, आपने रात में गांव का लीडर लो आप बुलाएंगे और एक हाउस टू हाउस 3000 2000 3000 2000 ओह इट मीन्स आप जो है कैश डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हर आदमी को, वोटर वोट को खरीद लेंगे। हाँ वोटर मणिपुर से बीजेपी का ये कैंडिडेट वोबा जोराम चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने का दावा कर रहा था। इसलिए चुनाव जीतने के बाद मंत्री पद खरीदने और ब्लैक मनी से भी कोई दिक्कत नहीं होने का दावा किया। ये लोकतंत्र के वो धंधेबाज हैं जिन्होंने चुनाव को मुनाफे का धंधा बना लिया है। ऐसे कैंडिडेट से जनता क्या उम्मीद कर सकती है? जमशेद खान के साथ सुशांत पाठक, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम आज तक। जो कैंडिडेट चुनाव में इस भ्रष्ट तरीके से काम कर रहे हैं वो चुने जाने के बाद क्या करेंगे, इसके बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। पहले किसी तरह से चुनाव के लिए टिकट हासिल करना, फिर भ्रष्ट तरीकों से चुनाव जीतकर सत्ता तक पहुंचना, बड़ा ओहदा हासिल करना और बिचौलिया बनकर मुनाफा कमाना और अपने करीबियों के लिए मुनाफा बनाना, ऐसे नेताओं ने चुनाव को कारोबार बना लिया है। सवाल यह है कि जब ऐसे कैंडिडेट ने चुनाव आचार संहिता को अपनी भ्रष्टाचार संहिता से मजाक बना दिया है तो फिर चुनाव आयोग क्या कर रहा है? वो नेता क्या जवाब देंगे जो रैलियों और भाषणों में प्रवचन देते हैं लेकिन ऐसे भ्रष्ट कैंडिडेट को टिकट देते हैं? शुरू में जब 2000 रुपए के नए नोट आए थे तो कुछ लोगों को इन्हें देखकर और छूकर चूरन वाले नोटों की फीलिंग आती थी, लेकिन दिल्ली के एक एटीएम से 2000 रुपए के 4 ऐसे नोट निकले हैं जो असली में चूरन वाले नोट हैं, जिन पर चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया लिखा है। बैंकिंग सिस्टम को चूरन लगाने वाली यह पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। पहली नजर में देखने पर 2000 के इस नोट का खोट समझ नहीं आएगा, इसीलिए जरा ध्यान से देखिए। भारतीय स्टेट बैंक की जगह भारतीय मनोरंजन बैंक, अंग्रेजी में चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया। 2000 रुपए की जगह 2000 कूपन लिखा है, सीरियल नंबर की जगह 60, रिजर्व बैंक के स्टैंप की जगह पीके की स्टैंप है, अशोक स्तंभ की जगह चूरन लेबल लिखा है और शपथ इस तरह है, मैं धारक को 2000 कूपन अदा करने का वचन देता हूं। इस नोट में अगर कुछ सही है तो वो बस गांधी जी की तस्वीर। अब ऐसे नोट तो बस बच्चों के खेलने के काम आ सकते हैं और गली नुक्कड़ की दुकान पर 1-1 रुपए में मिल जाते हैं, लेकिन चूरन वाले ये नकली नोट देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से निकले। जब एक कॉल सेंटर एम्प्लॉई संगम विहार के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एटीएम में से 8000 रुपए निकालने गया, उससे मिले 4 2000 के फेक करेंसी नोट। और ये कोई ऐसे वैसे फेक करेंसी नोट नहीं है, ये नोट है जो प्लास्टिक के बने हुए हैं और जो दिल्ली के ऑलमोस्ट हर टॉय स्टोर में मिलते हैं। आप जैसा इसे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है 2000 कूपन। हमने संगम विहार के कई टॉय स्टोर वालों से बात करी, उन सब ने कहा कि ये 1 रुपए में 1 2000 रुपए का नोट मिलता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं लिखा है भारतीय मनोरंजन बैंक, स्वच्छ भारत लोगों के नीचे। आप अगर यहाँ पे देखें आरबीआई की एम्बलम की जगह यहाँ पे कोई और एम्बलम बना हुआ है और ऊपर लिखा है मैं धारक को 2000 कूपन अदा करने का वचन देता हूँ। ऐसे नोट मिलते हैं दिल्ली के हर टॉय स्टोर में या छोटी जो पान की दुकानें होती हैं वहाँ पे ऐसे नोट मिलते हैं। दिल्ली में संगम विहार में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये वही एटीएम है जिसमें से ये चूरन वाले नोट निकले हैं। एटीएम गार्ड ने दावा किया है कि ये चूरन वाले नोट इसी एटीएम से निकले हैं, लेकिन वो नहीं जानता कि ये चूरन वाले नोट एटीएम तक पहुंचे कैसे। आप देख सकते हैं ये जो एटीएम है, यहाँ गार्ड से भी बात करते हैं और पूछने की कोशिश करते हैं कि दरअसल उस वक्त क्या हुआ था। गार्ड साहब, यहाँ जो नोट निकले थे क्या वो नकली निकले थे? हाँ, नकली निकला था, 2-4 नोट निकले था हमारे सामने, निकले था दूसरा गार्ड था। ये तो साबित हो चुका है कि चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया के स्टैंप वाले ये नकली नोट स्टेट बैंक की एटीएम से ही निकले हैं। पुलिस ने इन नकली नोटों को जब्त करके जांच भी शुरू कर दी है, लेकिन सवाल ये है कि चूरन वाले नोट बैंक में जमा कैसे हुए, चूरन वाले नोटों को बैंक कर्मचारी पहचान क्यों नहीं पाए, चूरन वाले नोट बैंक से एटीएम कैसे पहुंच गए।
11 नवंबर 2016 को जब 2000 रुपए के नए नोट आए थे तो कई लोगों ने इसकी तुलना चूरन से निकलने वाले नोटों से की थी। 2000 रुपए के ये नकली नोट उससे बेहद मेल खाते हैं। 500 रुपए का नोट और 1000 का नोट रद्द कर दो और 2000 का नोट ले आए जो रंग छोड़ रहा है, जो बचपन में हमको मिलता था चूरन के पुड़िया के अंदर, वैसे रंग का एक 2000 का नोट ले आया जो कोई चाहता नहीं है। 2000 के नकली नोटों पर जो कुछ छपा है वो मजाक का विषय हो सकता है, लेकिन बैंक के एटीएम से चूरन वाले नोटों का निकलना देश के बैंकिंग सिस्टम पर गंभीर सवाल उठाता है। लेकिन फिलहाल इन सवालों का जवाब न बैंक दे पा रहा है, न पुलिस कुछ बोल रही है। इस वक्त हम दिल्ली के संगम विहार इलाके में मौजूद है। दरअसल ये वही एटीएम है जिसमें से चार नोट निकले थे 2000 के, यानी 8000 रुपए, और ये चारों नोटों पर लिखा था चिल्ड्रंस बैंक ऑफ इंडिया। जाहिर तौर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, जांच की जा रही है, और जाहिर तौर पर ये माना जा रहा है कि अब SBI के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे भी पुलिस मदद लेगी। कैमरा मनीष दुबे और मनीष गुप्ता के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। ये जांच अहम है, चलती रहेगी, क्योंकि बहुत जरूरी है निर्धारित करना कि कहां से आ गए इस सिस्टम में। यहां पर बहुत तरह की लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी होती हैं जिससे पहले कि ये नोट बाहर आते हैं। बहरहाल आप जब एटीएम से पैसे निकालें तो जरा देख परख कर नोटों को अपने पर्स में रखें, कहीं बिना देखे निकल गए तो बाद में किसी तरह साबित भी नहीं कर पाएंगे कि एटीएम से निकले हैं ये चूरन वाले नोट। खबरदार में इतना ही, देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।